तो अल्लाह ने इशारत फरमाया कामयाब कौन है। इतनी सी बात, हम आप सब चाहते हैं कि कामयाबी मिल जाए, इसके बगैर कोई नहीं। अरे बोलो भाई, कि छोटा सा बच्चा भी कामयाबी चाहता, अपने एतबार से बड़ा भी, बूढ़ा भी, हर एक कामयाबी ही चाहता है। कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो नाकाम मांगता हो कामयाबी चाहता, कौन भैया। और ट्रेनों पे जो जबरदस्ती मांगते हैं ताली पीट कर, वो भी तो अल्लाह। हर आदमी कामयाबी चाहता है, किसी तरह हमको कामयाबी हो जाए, हम कामयाब हो जाए, माल से, जायदाद से, मकान से, बिल्डिंग वगैरह 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 हमको कामयाबी मिल जाए। सब बार ना कर पाए, आप महल बनाओ, छत डालो 11 फीट 12 फीट पे, तो जाहिर है 9 इंच की मोटी दीवार और जन्नत की लंबाई चौड़ाई सातों जमीन सातों आसमान। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अर्जुहा समावात वल अर्द, सातों आसमान सातों जमीन जिसकी लंबाई चौड़ाई को नहीं पहुंच सकते, इतनी ऊंची जन्नत, इतनी मोटी दीवार किसने बताया। मोटी मोटी दीवार, इतनी मोटी दीवार, एक ईंटा सोने का, दूसरा ईंटा चांदी का, गारा मुश्को जाफरान का होगा, वो ईंटा कितना मोटा होगा मैं बता नहीं पाऊंगा। भाई दीवार की चौड़ाई को एक ईंटा होता है ना, अब आप ही समझ लो। अरे इतना बड़ा बड़ा ईंटा होगा कि सब मिलकर आधे ना उठा पाओगे। वो भी काहे का, सोने और चांदी का होगा वो ईंटा, एक ईंटा सोने का, दूसरा चांदी का। अरे कहीं एक ही मिल जाए तो समझे नहीं समझे आप। अल्लाह उसका यकीन नसीब फरमाए। और ये कोई हवा नहीं है कि उम्मत को रोज़े महशर इनाम जो मिलेगा, उम्मत को रोज़े महशर, उम्मत को रोज़े महशर इनाम जो मिलेगा, मेराज में वो सब कुछ, मेराज में सब कुछ सरकार देख आए, मेराज में वो सब कुछ। एक शेर इसमें अलग का है कि या रब पहुंच न पाऊं, या रब पहुंच न पाऊं, गर अपनी जिंदगी में या रब पहुंच न पाऊं, या रब पहुंच न पाऊं, गर अपनी जिंदगी में, जब रूह तन से निकले, जब रूह तन से निकले, तैबा में हो के जाए, जब रूह तन से निकले। तो अर्ज कर रहा, बड़ी बड़ी बड़े बड़े महलात, मोटी मोटी दीवारें, सुबह से शाम तक तेज रफ्तार घोड़ा दौड़कर जिस दीवार के मोटापे को पार, ऐसा महल मिलेगा, अल्लाह उसका यकीन नसीब फरमाए। और इतने ही नहीं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया फीहा सुरुरुम मरफूअतुन वअक्वाबुन मौज़ूअतुन वनमारिकु मसफूफ़तुन वज़राबिय्यु मबसूसा। ऊंचे ऊंचे तख्ते होंगे, ऊंचे ऊंचे तख्ते, जन्नती खुद 60 गज का लंबा, तो जाहिर है तख्ता कितना ऊंचा होता, नहीं चाहोगा 1.5 फीट ऊंचा, ऊंचे ऊंचे तख्ते। और जन्नती के लेटने से ज्यादा कम से कम उसकी लंबाई तो होनी चाहिए, आदमी से समझ ले, ना समझ पाए तब भी समझे कायदे से, कि जब आदमी लेटेगा तो थोड़ा उधर बाकी रहे, थोड़ा आगे की तरफ जगह रहे, ऐसे होता है ना। अब आप क्या हो ना हो, हमारे यहां ऐसे होता है, जब 60 गज का लंबी तो तख्ता भैया, उसकी पट्टियां सोने चांदी की, उसके पाए सोने चांदी के, उसके तख्ते सोने चांदी के, उसके ऊपर मुश्को जाफरान से भरा हुआ गद्दा पड़ा, ऊपर भी हरे रंग का रेशम तबीज रेशम होगा, नीचे भी हरे रंग का तबीज रेशम, बीच में मुश्को जाफरान भरा हुआ, बीसों
सौ गज के मोटे मोटे गद्दे उन तख्तों के ऊपर पड़े होंगे, एक दो नहीं 70-72 तख्ते एक एक जन्नती के लिए होंगे कम से कम। अब ज्यादा तो कोई बात ही नहीं, जितना अल्लाह दे दे। अब बहुत ज्यादा सोचो ना यार, इतना तख्त सोने में कहां से तो। अल्लाह दुनिया भर के लोगों के मकानात को सोने और चांदी का बना दे, कसम है रब्बे काबा की, समंदर में सुई डुबो ले नाके की तरफ, जितना पानी लग जाए, जितना पानी कम नजर आएगा उतना भी अल्लाह के खजाने में नहीं घटता। खजाने लामहदूद है, उसके खजाने की कोई हद है? और ज्यादा समझने के चक्कर में पड़ो, आंख में रेशे हैं क्या भैया? आंख में कुछ रगें ऐसी हैं, अब तो जब आप जमीन रजिस्ट्री करवाने जाओगे, करने जाओगे तो इसका भी फोटो लिया जाएगा। आंखों में जो ये रगें हैं पूरी दुनिया के लोगों को जमा कर लिया जाए, एक दूसरे की आंख की रगें नहीं मिल पाएंगी। अब सोचो अल्लाह की कुदरत, कुर्बान जाओ शमे रिसालत के परवानों, खजाने में उसकी कोई हद है? इतनी सी जगह में रगों की इतनी किस्में हो जाए, ऐसे सोच लेना चाहिए कोई है, उसके खजाने कोई हद है? ऊंचे ऊंचे तख्ते होंगे। एक आदमी कहने लगा, मौलाना ये बताओ। मैंने कहा क्या? कहा आप बता रहे कि जन्नत में बहुत सारी हूरें होंगी, गिलमान भी होंगे। तो मैंने कहा हाँ, अल्लाह के नबी ने खबर दी है। तो कहा फिर आप ही बताओ मौलाना, कि अगर जी चाहे आराम करें तब। मैंने कहा पहले पहुंचो, खुद ही समझ लेगा, पहले पहुंचो कैसे होगा क्या होगा। मैंने कहा कि सुनो भाई, जन्नत में एक तख्ता, फिर उसके बीच में एक रेशमी हरे रंग का पर्दा पड़ा हुआ, दूसरा तख्ता उसके बीच में एक हरे रंग का रेशमी पर्दा पड़ा, तीसरा तख्ता उसके बीच में एक हरे रंग का रेशमी पर्दा पड़ा हुआ, हर हर दो तख्तों के दरमियान एक एक रेशमी पर्दा हरे रंग का पड़ा हुआ होगा। जन्नती के जी में आया, जरा आराम कर ले, वो पर्दे खुद ब खुद गिर जाएंगे, आराम का तकाजा खत्म हो गया, पर्दे खुद ब खुद उठ जाएंगे, न उन्हें उठाने की जरूरत, ना उन्हें गिराने की जरूरत पड़ेगी। तुम घबराओ ना, पहले पहुंचाओ, ऐसी वो जन्नत है। अल्लाह उसका यकीन नसीब फरमाए। अरे बोलो भाई, उसका यकीन नसीब फरमाए। जन्नती मसेरी पे टेक लगा के बैठ जाएगा, इसके हाथ में एक सोने का डंडा होगा, ऐसा होगा, डंडा होता है कमर के बराबर आमतौर पर, लाठी छोटी बड़ी हो सर के आसपास, मसीरी पर टेक लगा के बैठेगा। समी है शमसम वलाजमहरीरा, न वहां ठंडक है न गर्मी है और न ही रात दोपहर का कोई मसला होगा। टेक लगा बैठा, हाथ में एक डंडा, इसको देखेगा कि सामने पेड़ नजर आया तो सोचेगा बीचों बीच पेड़ में जो फल लगा वही फल हमारे पास आता। जब ये सोटा से इशारा करेगा तो बीच वाली टहनी झुकेगी, इसके करीब आके वो फल टपक जाएगा, जन्नत में जो जी चाहे वो सब वहां मौजूद। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दउन। अल्लाह उस जन्नत का यकीन नसीब फरमा, उसकी तैयारी की तौफीक अता फरमा। जो शुरू में अर्ज किया मैंने, अपने बच्चों को नाजरा कराओ, हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, बच्चों को दीन की तालीम दीजिए, ये बहुत बड़ी दौलत है। और अल्लाह ईमान की दौलत से माला माल करे, ये बहुत बड़ी दौलत तो है ही, समझे भैया ने। अल्लाह हम ईमान वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। दो तीन शेर समाज फरमा लीजिए, ताज़ा तरीन नात मैंने कही है उसके दो तीन शेर समाज फरमा लीजिए, फिर बात खत्म करूँ, दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। दोनों जहाँ की अज़मत व तौक़ीर मिल गई, दोनों जहाँ की अज़मत व तौक़ीर मिल गई, इश्क़े रसूल पाक की जागीर मिल गई, इश्क़े रसूल पाक की जागीर मिल गई, यह दिल असीर काकुल वल्लैल हो गया, यह दिल असीर काकुल वल्लैल हो गया, दीवाने रसूल को जंजीर मिल गई, दीवान है
रसूल को जंजीर मिल गई। शोरा हजरत अगर कोई हो तो इसका काफिया देख लेंगे, यही समझेंगे क्या है ये शेर कुरान के हवाले से है कि वह शम्स शरह रुख है तो वन लैल शरह जुल्फ। आप हजरत देखिएगा, वह शम्स शरह रुख है तो वन लैल शरह जुल्फ, नूरे मुबी को क्या हसी तफसीर मिल गई। नूरे मुबी को क्या हसी तफसीर मिल गई, तलवो पे उनके अंजुमो शम्सो कमर निसार, तलवो पे उनके अंजुमो शम्सो कमर निसार, नाले ने पासे अर्श को तौकीर मिल गई, नाले ने पासे अर्श को तौकीर मिल गई, सद शुक्र अपना जज्बे दिल काम आ गया, शिबली हमारी आह को तासीर मिल गई, शिबली हमारी आह को तासीर मिल गई। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।